गाइस दिस इज गोविंदा यादव और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा मतलब हटकर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर विजन 11 KYC प्रोसेस है वो आप हमें बता दीजिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाला है गाइस कि जो विजन 11 के KYC प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कितने घंटे में आपका KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा, कब अपने मनी को विड्रॉ लगा सकते हो अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में, कितने घंटे में आपकी जो मनी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में क्रेडिट होगी, सारी जानकारी स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करो और नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जिन लोगों ने अभी विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करो और डाउनलोड कर लो। और यहां ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो कैसे साइन अप करते हैं, कैसे टीम बनाते हैं और कैसे आपको कंटेस्ट ज्वाइन करना है, सारी जानकारी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, सीधे बात करता हूं कैसे आपको KYC कंप्लीट करनी है। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो विजन 11 एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है और इसके बाद से इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे गाइस आपको तो मैंने बता ही दिया है पिछले वीडियो में कैसे आपको टीम क्रिएट करनी है, कैसे आपको कंटेस्ट ज्वाइन करना है। अब यहां पर क्या है गाइस कि आपको सिंपली जाना होगा आपको अपने अकाउंट का ऑप्शन में, आपको यहां पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो सबसे पहले देख लो आपका यहां पर बैलेंस दिखा दी जाएगी, प्लस यहां पर रेफर एंड अर्न का थोड़ा सा नीचे होगा तो आपको एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके नीचे आपको वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर टाइप करना है। जैसे वेरीफाई अकाउंट पर टाइप करोगे गाइस सबसे पहले तो आप देख लो यहां पर अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, जो कि मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई है। अब ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करना है गाइस, ईमेल आईडी पे जो आप ईमेल आईडी दोगे उस पे एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, तो लिंक पे आपको जाकर क्लिक करना है और ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। ईमेल आईडी वेरीफाइड होने के बाद से आपको यहाँ पर पैन कार्ड की वेरीफाइड करनी है। तो गाइस पैन कार्ड की जो भी डिटेल्स होगी आप बड़ी ध्यान से भरना, क्योंकि एक बार आप सोच लेना पैन कार्ड की डिटेल्स भरते वक्त कि आपको किसकी बैंक अकाउंट को सबमिट करनी है। लाइक जो भी आप यहाँ पर नाम दोगे ठीक ना, पैन कार्ड पर जो भी आप नेम दोगे उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप अपना दोगे तो आपका बैंक अकाउंट नेम होना चाहिए, जैसे आप अपने पापा के यहाँ पर पैन कार्ड दे रहे हो तो आपका पापा का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जैसे आप अपने मम्मी के यहाँ पर पैन कार्ड दे रहे हो तो आपकी मम्मी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो मैच करता है, नाम डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करेगा तभी जाकर आपका जो भी है बैंक अकाउंट की प्रोसेस को मतलब वो कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं कंप्लीट करेगा। अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो वो कंप्लीट नहीं करेगा। और एक और बात गाइस कि यहाँ पर अगर एक बार पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर लिए तो फिर दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बैंक अकाउंट है उसे आप बार बार चेंज कर सकते हो, लेकिन उसी पर्सन का होना चाहिए बैंक अकाउंट ठीक ना, जिस पर्सन का आप यहाँ पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन करोगे। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ ठीक ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम बोलेगा तो आपका जो पैन कार्ड में नाम है यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद से आपकी जो पैन कार्ड की नंबर होगी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी ठीक। पैन कार्ड के नंबर को सबमिट करने के बाद से गाइस आपको नीचे आपको पैन नंबर कंफर्म करना होगा, तो मैं यहां पे कंफर्म कर लेता हूं ठीक। उसके बाद से गाइस तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का नंबर भी कंफर्म कर लिया। अब आपको नीचे गाइस आपको एक पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे मैंने क्लिक किया अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप फ़ोटो कहाँ से अपलोड करना चाहते हो, फोटो लेना चाहते हो या फिर गैलरी से चूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर रखा है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ गाइस फ़ोटो, फोटो मेरी यहाँ पर अपलोड हो रही है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगी और फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ गाइस ये जो हमारी पैन कार्ड की डिटेल्स है वो अंडर वेरिफिकेशन चली गई है। अब जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगी तो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और पैन कार्ड की साइड में एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आकर बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स को आप सबमिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ जब तक मेरा पैन कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। वैसे यहाँ 2 या 3 घंटे के बाद से हमारा यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आ चुका है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद से आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर देना है, आपका नंबर यहाँ पर देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है और यहाँ पर IFSC कोड आपको सबमिट करनी है और किस बैंक का आपका मतलब किस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर देना है। एक यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है जहाँ पर आपका नाम होता है और यहाँ पर जहाँ
अकाउंट नंबर होता है उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है और यहाँ से अपलोड कर देनी है। नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सारे डिटेल्स फिलअप करके आपको इस पर क्लिक करते हो, विद इन 2 आवर्स के अंदर आपका यहाँ पर जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो वेरीफाइड हो जाएगी। और वेरीफाइड होने के बाद से गाइस आप यहाँ से विड्रॉ लगा सकते हो। अगर मिनिमम विड्रॉ की बात करें तो मात्र यहाँ पर 100 रुपये मिनिमम विड्रॉ है, तो 100 रुपये होते ही आप यहाँ से इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ले सकते हो। और एक और बात बता दूं गाइस कि यहाँ पर जैसे विड्रॉ का ऑप्शन पर क्लिक कर अगर आप यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट करते हो, तो जैसे ही आप पेटीएम सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ से पेटीएम में विड्रॉ ले सकते हो विदाउट केवाईसी। आपको केवाईसी नहीं करना है और ऐसे ही आपको पेटीएम में विड्रॉ मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको कुछ परसेंट चार्ज कटेगी, यानी कि यहाँ पर देख लो 2% चार्ज करती है ऐसे, प्लस 18% जीएसटी करती है आप जितने भी विड्रॉ करोगे। अगर आप 100 रुपये यहाँ से विड्रॉ करते हो तो आप देख लो यहाँ पर आपके पेटीएम में कितने रुपये ट्रांसफर होंगे। अगर आप 1000 करते हो तो 976 रुपये होंगे, अगर आप 100 रुपये करते हो तो 97 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएंगे। तो आई होप गाइस मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को 110% सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।